हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम शार्क्स और एंड इट्स पॉसिबिलिटीज़। कहने का मतलब ये है कि हम कैसे शार्क के अटैक से बच सकें और इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि जो ह्यूमन जो सर्फर होता है वो जब लहर नहीं चल रही होती तो वो सर्फर के ऊपर जो है तैरता है, तो उसको वो जो है जो शार्क जो नीचे से देख रही है उसको वो सी टर्टल या सी लॉयन जैसा लगता है, इसलिए वो ह्यूमन में अटैक कर देती है। इससे बचने की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, शार्क से बचने की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, वो हम आपको बता रहे हैं। डोंट टीज देम, उनको हमें कभी छेड़ना नहीं चाहिए। डोंट स्टे इन वाटर इफ़ यू कट आर इंजोर्ड योरसेल्फ, कभी भी पानी में आपको ठहरना नहीं चाहिए यदि आपको कोई कट मतलब कोई चाकू लग गया, कोई कट का निशान लग गया, या आप घायल हैं या कट हैं मतलब आपको कट का निशान लग गया, तो आपको कभी भी पानी में ठहरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शार्क होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है और ब्लड को बहुत आसानी से वो सूंघ लेती है। वो जो शार्क होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को बहुत आसानी से क्या होता है, भाप लेती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के पास बहुत आसानी से खींची चली जाती है और ब्लड को सूंघ लेती है, जिसकी वजह से वो पास आकर के आपको इंजर्ड अगर वो पाती है तो वो आप पर अटैक कर देगी। डोंट स्विम इन मुर्की वाटर्स, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि जहाँ पे शार्क आ सकती है, खारा पानी है, और वहाँ पे आपको स्विम यानी तैरना नहीं चाहिए। इफ़ यू हैव बीन ब्रूस्ड अगेंस्ट बाई समथिंग गेट आउट, अगर कोई आपको इशारा करे कि आप यहाँ कुछ उसे हिलता हुआ नज़र आ रहा है, दूर से अगर कोई इशारा करे कोई आपको वो उसे कुछ हिलता हुआ नज़र आ रहा है या कुछ हो रहा है पानी में, तो आपको तुरंत वहाँ से क्या होना चाहिए, सतह की ओर आ जाना चाहिए, सतह की ओर आपको आ जाना चाहिए, पानी में ठहरना नहीं चाहिए। इफ़ अदर फिश आर टर्टल्स स्टार्ट एक्टिंग एरेटिक बी अलर्ट, यदि कोई मछली या टर्टल एरेटिक एक्ट करे यानी कि ऐसा एक्ट करे जो उसे नॉर्मल एक्ट नहीं करता है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि शार्क आ चुकी है या आ रही है। कहने का मतलब ये कि जब व्यक्ति घबराया हुआ होता है या मामल या फिर कोई जानवर जब कोई घबराया हुआ होता है तो उसका हाव भाव चेंज हो जाता है, वो डरा सा हो जाता है और वो दूर भागने लगता है, तो ऐसी कोई अगर फिश या मामल उस पानी में ऐसा करने लगे हरकतें तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि उस शार्क आ रही है। एक बात और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ये हर स्विमर के सामने, जो बिग लेवल के स्विमर्स होते हैं ठीक है, उनके सामने ऐसी दिक्कतें परेशानियां आती ही आती हैं, तो उनको इन बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अगर आप स्विम कर रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि शार्क आपके आसपास ना आए। शार्क वैसे तो सभी प्राणियों के लिए बहुत ही घातक है, चाहे वो मामल्स हो चाहे उड़ने वाली बर्ड्स हों, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा घातक है। अगर वो पानी पीने के लिए समुद्र में बैठती भी हैं तो नीचे शार्क आ करके उनको क्या कर लेती है, खा लेती है। तो और शार्क का जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा आइटम होता है वो होती है सील्स। सील्स सबसे ज़्यादा शार्क का आइटम पसंदीदा आइटम होती है, जिसको वो खाने को बहुत ही ज़्यादा वो पसंद करती हैं। अगर वो जैबरा भी फंस जाता है तो जैबरा को भी वो खाने में नहीं छोड़ती, और चाहे वेल हो तो वेल को भी वो खाने में नहीं छोड़ती। अगर कोई वेल मिल जाती है उनको मरी हुई तो उसको भी वो खा जाती हैं। और अगर कुछ लोगों ने ये भी पाया कि कुछ लोग जो है बोट के ऊपर शिप के ऊपर जो है देख रहे थे, फिल्मांकन कर रहे थे, तो शार्क ने उन पर अटैक कर दिया। एक बात और, यदि शार्क आपके पास आए तो शार्क से पीछे ये ना हो कि आप उसके पीठ दिखा करके आप उस तैरने लगे, तो उस शार्क को लगता है कि वो क्या है सामने वाला, वो घबरा करके हमसे भाग रहा है, तो वो उस पर अटैक ज़रूर करेगी। अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है तो शार्क को जो है शार्क को फेस टू फेस आप उसको सामना कीजिए और हाथों से उसको दूर कर दीजिए।
तो कहने का मतलब ये है कि आप डरिए नहीं, और डर ही अगर आपको डर लग गया तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेगी। सार कभी भी सार के दिल में कोई हमदर्दी या दया नहीं होती है। तो यदि आपको सेफ रहना है तो दूर रहें पानी से, ख़ास तौर से सी यानी कि ओशियन से बहुत ही ज़्यादा आप दूर रहिए। और अगर आप जाते भी हैं तो शिप का इस्तेमाल कीजिए जहाँ पे आपको सार्क अटैक ना कर सके। कुछ बीचेस में जो है सार्क के स्विमर्स को जो है सेफ्टी टिप्स भी दिए जाते हैं और सार्क के प्रति जो है अलर्ट भी किया जाता है। तो ये हमने आपको दिखाया है कि सार्क से बचने के तरीके कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे ये दिखाया था, डू नॉट वॉक ऑन ड्यूनेस, स्टे ऑन पाथ। कहने का मतलब ये है कि इस सतह के आसपास आप मत टहलिए, इसीलिए इन्होंने बाउंड्री लाइन भी बना रखी है क्योंकि यहाँ पे सार्क आपको अटैक कर सकती, खींच के ले जा सकती है। डू नॉट स्विम नियर सील्स, सेफ्टी टिप्स में अगर आप सील्स के साथ तैर रहे हैं तो उनके साथ मत तैरिए, सील्स के आसपास आप तैरिए मत। स्विम क्लोज टू शोर इन वेस्ट डीप वाटर, स्विम वेस्ट डीप वाटर के आसपास आप जो है पास रहिए। अवॉइड स्विमिंग एट डॉन एंड डस्क, जहाँ पे गहरा पानी आपको दिखे और जहाँ पे आपका काला पानी दिखे वहाँ पे आप कभी भी तैरिए मत। स्विम एंड सर्फ इन ग्रुप्स, अगर आप तैर भी रहे हैं तो अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं और सर्फिंग आप कर रहे हैं तो हमेशा ग्रुप में करिए, कभी अकेले मत करिए। तो ये सार के प्रति स्मार्ट सेफ्टी टिप्स हैं जो मैंने आपको बताए, ये हर स्विमर को मालूम होना चाहिए। अगर आप स्विमर हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि सार के दिल में कोई भी मर्सी नहीं होती। और सार्क जब तैर करके आती है, अगर नीचे से बहुत फोर्सली तैर करके आती तो वो 3 से 5 मीटर के बीच में जो है उछल सकती है पानी के बाहर। तो मैंने आपको बताया कि सार्क से कैसे बचने के तरीके होते हैं, कौन कौन से सेफ्टी टिप्स होते हैं जिससे कि आप सार्क से बच सकते हैं अगर आप स्विमर हैं। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाले ऐसे ही अट्रैक्टिव वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस की इंफॉर्मेशन ऑब्लिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें।